Dear viewers and students, welcome back to Eng with Professor Shahzad Tabasum. Shahzad Tabasum is here. Dear viewers and students, please don't forget to subscribe my YouTube channel to get many more videos. As you know, we were going through the fourth lesson. Thank you, Ma'am, by Hughes. टुडे वी आर गोइंग टू एंड द लेसन इट्स द लास्ट लेक्चर लेट्स गो टू द टेक्स्ट ऑफ द लेसन इन एन अदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहड अ स्क्रीन व गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स के कमरे के दूसरे कोने में पर्दे के पीछे गैस का चूल्हा और रेफ्रिजरेटर मौजूद था स्क्रीन कहते हैं पर्दे को या कर्टिन को और आइस बॉक्स कहते हैं रेफ्रीजरेटर को कल आपने पढ़ा था कि औरत के पास रहने के लिए एक ही कमरा था उसने उस कमरे की पार्टीशन कर रखी थी कि एक हिस्से को किचन में तब्दील कर दिया था और एक हिस्से को बेडरूम में मिसेस जॉन्स अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन कि मिसेस जॉन्स उठ खड़ी हुई और पर्दे के पीछे चली गई द वोमन वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ कि औरत ने लड़के पे निगाह नहीं रखी ये देखने के लिए कि क्या वो भाग तो नहीं जाएगा मतलब उसने उस पर आँख नहीं रखी नज़र नहीं रखी या उसकी निगरानी करने की कोशिश नहीं की ना एच वॉचर वाचर पर्स ना ही उसने पर्स का ख्याल रखा विच ही एड लेफ्ट बिहाइंड हर अंदर डा बेड कि जो वो सोफे पे छोड़ गई थी या सोफा कम बेड पे छोड़ गई थी ये उसने शायद जानबूझ के किया था कि वो लड़के को एतमाद बख्शना चाहती थी उसे यह बताना चाहती थी कि वो उस पर एतम करने लगी है और नतीजतन उसे भी औरत के अतमाद को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए इसलिए उसने ना ही लड़के पे नजर रखी और ना ही पर्स पे जिसे वो जानबूझ के सोफे छोड़ छोड़ाई थी बट द बॉय टू केयर टू सेट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम अवे फ्रॉम द पर्स वेयर ई थॉट ईजीली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ अर आय ईफ यू वॉन्टेड टू कॉर्नर ऑफ द आय से मुराद है कनखियों से देखना कि आप जो है मुड़े बग़ैर जो है नजर रखते हैं उसे हम कहते हैं टू तो सी आउट ऑफ द कॉर्नर वंस आय अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि लड़का भी जानबूझ कर कमरे के दूसरे कोने में जाके बैठ गया जहाँ उसके ख्याल में अगर औरत चाहती तो उसे कनंखियों से देख सकती थी कि लड़के के जेन में भी ये बात आई कि उसे जो है औरत के अतमाद को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए इसलिए वो जानबूझ के कमरे के दूसरे कोने में जाके बैठ गया पर्स से बहुत दूर और इस जगह पे जहाँ अगर औरत चाहती तो उसे देख सकती थी कि वो दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह पे होशियार थे औरत इस सेंस में कि उस पर अहतम करना चाहती थी उसे अहतमद बख्शना चाहती थी उसे बताना चाहती थी कि वो अब उस पर अहतम करने लगी है और लड़का भी यही चाहता था कि उसका अहतम किया जाए ही डिड एंड ट्रस्ट द वमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम ट्रस्ट कहते हैं टू शो कॉन्फिडेंस भरोसा करना कि उसने औरत पे भरोसा ना किया कि वो उस पर अतमाद ना करे मतलब यही बात कि वो जानबूझ के ऐसी जगह पे बैठ गया कि जहाँ पे वो चाहने के बावजूद भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता था और औरत भी ना चाहते हुए भी उस पर नज़र रख सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल उसके सामने जाके बैठ गया था एंड इट डिडेंट वॉन्ट टू बी मिस ट्रस्टेड और वो नहीं चाहता था कि उस पर अहतम ना किया जाए या वो किसी के एतमाद का खून नहीं करना चाहता था नाउ लेट्स बॉय लड़के ने पूछा कि आपको स्टोर से कुछ मंगवाना तो नहीं है मे बी टू गेट सम मल्क और समथिंग दूध या ज़रूरत की कोई और चीज़ नॉट बिलीव आई डू सेट द वमन औरत ने कहा कि नहीं मुझे नहीं मंगवाना यू जस्ट वन स्वीट मल्क योर सेल्फ स्वीट मल्क यही जो फ्रेश मल्क होता है ताज़ा दूध कि अगर तुम ताज़ा दूध लाना चाहते हो तो ले आओ वॉज गोइंग टू मेक खो खो आउट ऑफ दिसर खो खो एक चॉकलेट ड्रिंक है कि जिसमें आप चॉकलेट पाउडर और दूध को मिक्स कर देते हैं और केन कहते हैं पैक्स होते हैं ये जो डिब्बे में बंद दूध होता है उसे केन मल का आ जाता तो मेरा तो ख्याल था कि मैं डिब्बे वाले दूध से तुम्हें जो है चॉकलेट वाला मशरूब तैयार कर दूंगी दैट विल बी फाइन सिट द बॉय लड़के ने कहा चले ठीक है शी some लामा बीन्स लामा एक ट्रॉपिकल है जिसकी फलियाँ खाई जाती हैं खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं बीफ कहते हैं बड़े गोश्त को कि ये जो गाय और भैंस का गोश्त होता शी had इन द आइस बॉक्स कि उसने फ्रेश में पड़े बड़े गोश्त को और लामा की फलियों को गर्म किया Made द कोको चॉकलेट ड्रिंक तैयार किया And set द टेबल और दस्तरखान सजा दिया

कि औरत ने उससे ये नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता था उसके अहल खाना कौन थे या कोई और ऐसा सवाल जिससे लड़के को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता कि औरत तो उसे शर्मिंदा करना ही नहीं चाहती थी वो चाहती थी कि उसकी असलाह हो जाए इसलिए वो उस पर अतमाद भी कर रही थी उसे समझा भी रही थी और अब उससे दोस्ताना बर्ताव कर रही थी उसे ये बताने या समझाने की कोशिश कर रही थी कि गलती तो हो गई है आइंदा तुम ये गलती ना दोहराना ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा Now let's go to the next slide. Instead, as they ate, कि इसकी बजाय जब वो खाना खा रहे थे she told him about her job in a hotel beauty shop. उसने उसे बताया कि वो एक होटल के ब्यूटी पार्लर में काम करती है ब्यूटी शॉप कहते हैं ब्यूटी पार्लर को That stayed open late, कि जो रात गए तक खुली रहती थी what the work was like, मतलब was the nature of the work, उसने उसे काम की नोयत से आगा किया एंड हाउ हॉल काइंजन के मेन एंड आउट और यह भी बताया कि उस पार्लर में मुख्तल ख़वात जो हैं वो आती रहती थी उसकी मुस्तकिल गाहक थी ब्लॉन्ड्स ब्लॉन्ड्स कहते हैं विद गोल्डन हेयर सुनहरे बालों वाली रेड हेड सुर्ख बालों वाली एंड स्पेनिश स्पेनिश के्या बालों वाली विद ब्लैक हेयर दैन शी कटम हाफ ऑफ अ ट सेंट क्या है स्मॉल काइन हंड्रेड सेंट का एक डॉलर होता है कि फिर उसने उसे दस सेंट के केक का एक हिस्सा काट के दिया ईट्स सम मूर्ड सन शी सेड और कहा कि बेटा कुछ और भी खाओ। when they finished eating जब वो खाना खा चुके थे शी गॉट अप एंड सेड वो उठ खड़ी हुई और कहने लगी नाउ हियर टेक दिस 10 डॉलर्स एंड बाय योरसेल्फ सम ब्लू स्वीट च्यूज़ कि मेरी बात सुनो ये पकड़ो दस डॉलर्स और नीले चमड़े के जूते खरीद लो ए नेक्स्ट टाइम डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक लैच ऑन कहते हैं वही टू तो क्लिंग टू ये टू टेक बाय फोर्स छीना और एनी बॉडी एल्सेज बिकॉज शूज़ गॉड बाई डेवलिश वेज डेवलिश कहते हैं ईवल को ऑफ डेवल शैतानी या सेटेनिकले वर्न योर फीट क्या आइंदा कभी मेरी या किसी और की मेरा या किसी और का पर्स छीनने की कोशिश ना करना क्योंकि शैतानी तरीकों से हासिल किए गए जूते तुम्हारे पांव को जला के राख कर देंगे now let's go to the next लेट्स आई got टू गेट my रेस्ट now。रेस्ट कहते हैं टू a लाई डाउन आराम करना क्या मुझे आराम करना है बट फ्रॉम here ऑन इन सर here ऑन इन कहते हैं इन फ्यूचर कि फ्रॉम now ऑन क्या इंदा आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ कि आप जो है ऐसी गलती नहीं करोगे या आप अपने रवैये या चाल चलन में बेहतरी लाओगे या आइंदा ऐसी गलती के मरत के नहीं ठहरोगे She him डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर कि उसे हाल में से गुजार कर दाखिली दरवाजे पे ले गई एंड ओपन इट और इसे खोला गुड नाइट और कहा कि शब ब <coughs> बिहेव योर सेल्फ बॉय के लड़के अपना ख्याल रखना लुकिंग आउट इंटू द स्ट्रीट एज यू वेन डाउन द स्टेप्स उसने गली में छांकते हुए कहा जो ही लड़का घर की सीढ़ियाँ उतरा द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू माम टू मिसेस लोयला बेथस वॉशिंगटन जॉन्स के लड़का उसका शुक्रिया अदा करने के अलावा भी बहुत कुछ कहना चाहता था मतलब वो तशकुर के जज्बात से लबरेज था कि ही वॉज इम्प्रेस बाय द काइंडनेस एंड एफेक्शन ऑफ द वूमन की वो उसकी मेहरबानी और रवैये से बेहद मुतासर हुआ था बच ओल दो अगर से उसके लब हिले ही कुडेंट इवन से बेचारा ये अल्फाज भी ना कह सका एस टर्न एट द फुट ऑफ द बैलेंस टूप बैरिन कहते हैं डिजर्टेड को स्टूप कहते हैं बेंड को कि जो ही वो वेरान मोड़ मुड़ा अनल पेट द लॉच वूमन इन द डोर और दरवाज़े पे खड़ी उस लहीम शहीम ख़ातून को देखा देन शी शट द डोर फिर उस औरत ने दरवाज़ा बंद कर लिया और इसके साथ ही कहानी भी जो है अपने अख्ताम को पहुँच गई तो मैंने आपसे कल भी ये तस्करा किया था कि ये कहानी इस सेंस में बहुत अहम है कि हमें बताती है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है कि आप उन्हें पनिश भी करें मगर पनिश करने के बाद आप उन्हें समझाएं और आप उन पर ट्रस्ट करें और उनसे मोहब्बत और मेहरबानी का सलूक करें तो फिर आप उनकी असलाह कर सकते हैं औरत ने भी यही किया कि लड़के ने क्या है गलती की थी उसने उसे सड़क पे सज़ा दी फिर वो उसे घर ले गई उसे समझाया बुझाया उसकी ख़िदमत की उस पर अतम किया और लड़के की असलाह जो है वो मुमकिन बनाई इसीलिए सबक का नाम थैंक यू मैम है क्योंकि लड़का उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था और उसे शुक्रगुज़ार होना भी चाहिए था क्योंकि उस औरत ने उसकी ज़िंदगी का नक्शा जो है वो तब्दील कर दिया था हो सकता है कि अगर किसी और खातून से उसका टकराव होता तो वो शायद किसी आदि मशरम में तब्दील हो जाता मगर यहाँ पे इस औरत के रवैये और मेहरबानी ने उसे यह सिखा दिया था कि आइंदा उसे ऐसी गलती नहीं करनी कि उसने गलती की थी और ये उसके हक में बेहतर हुआ कि उसे इस गलती की सजा तो मिली मगर साथ में उसे सबक भी मिल गया और आइंदा के लिए उसने एक अच्छा या बेहतर इंसान बनने का फ़ैसला किया। लेट्स कॉल इट अ डे टमारो वी विल स्टार्ट फिफ्थ लेसन द पीस ऑफ स्ट्रिंग बाय मापासा टिल देन अल्लाह हाफिज स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड